everyone. So today we are going to talk about Dialyte Acidic Gloss Clear. What is that exactly? What is this product? Yes guys, बताना चाहती हूँ. Dialyte का Acidic Gloss Clear is again Dialyte का ही कलर ट्यूब था जो इनोवेट होके यू न्यू फॉर्म में, न्यू जेल फॉर्म में क्रिएट होके आया है, विच इज कॉल्ड Acidic Gloss Clear No Ammonia, राइट. In this product, what I love it, like fluidifies the texture for easy take through, dilutes for subtle and luminous reflect. So guys, dilutes for subtle and luminous reflects के लिए अगर हम बात करें तो you can use this and fluidifies the texture for easy take through. Yes guys, easy take through है, gel form में है. Dialyte का अगर आपने देखा होगा clear tube, जी हाँ, ये innovate होके आया है. This is called Dialyte का Acidic Gloss Clear No Ammonia product. तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस product को actual में आपको कैसे use करना है. अगर आप इस product को use करना चाहते हो तो बताना चाहती हूँ guys, ये product आज मैं आज के इस tutorial में, आज के इस video मैं बताऊंगी कि आप इस प्रोडक्ट के साथ, Dialyte Acidic Gloss Clear के साथ ऐसे कौन कौन से हेयर कलर को क्रिएट कर सकते हो. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ठीक है, तो ये है आपका L'Oreal Professionnel का ही Dialyte का Acidic Gloss Clear. तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आप कर सकते हो. तो शराजी, मैंने ना इसमें पूरा आपको, वो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको ईजी हो जाएगा, नो वरीज. ठीक है, वैसे भी यू टुक दिस क्लास बिफोर, वैसे भी आपने ले लिया ये वाला क्लास पहले, टेंशन नहीं होगा. बट मेक श्योर आप उस क्लास में ज़रूर रहना जो अभी हमारे प्री कलरेशन वगैरह इसके बाद की क्लासेस जो होगी, है ना. ओके, डिया क्लियर की जो ट्यूब है ये आपने देखो, अगर मैं आपको बताती हूँ कि पेस्टल पिंक, ये देखो नंबर वन पेस्टल पिंक कलर को अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे करोगे. पेस्टल पिंक में आप करना ये 4.20, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले किया था, और एसिडिक ग्लॉस क्लियर, एसिडिक मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, समझ जाना. इसको आपने लेना है 10%, इसको लेना है 90%, और डिया का ही, डिया का कौन सा डेवलपर यूज़ करना है इसमें, 10 वॉल्यूम यूज़ करना है आपने. ठीक है, एंड लीव फॉर, मतलब ये सब प्री लाइटनिंग के बाद ही होगा, जो ये सब प्री लाइटनिंग के बाद ही डिपॉजिट होगा, वही लास्ट लेवल जैसे हमने सीखा अभी मैट का प्री लाइटनिंग करना है अच्छे से, 10-11 लेवल तक करना है इसको, और उसके बाद फिर डायरेक्ट आपने इसको डिपॉजिट करना है. अगर आप रूट्स में डार्क कलर करना चाहते हो तो रूट्स में डार्क कलर कर दो और बाकी नीचे कर दो, इट्स अप टू यू. तो यहाँ पे आपका आएगा, वही आपने इसको छोड़ना है 15 से 20 मिनट, देखना क्विकली कलर आ जाएगा, जल्दी से आपको देखना पड़ेगा, 15 मिनट के बाद कलर आना शुरू हो जाता है. उसके बाद आपने क्लाइंट से पूछना थोड़ा डार्क करो लाइट करो, डिपेंड करता है. सेकेंड आता है आपका ब्लू, पेस्टल ब्लू प्री लाइटनिंग, आफ्टर प्री लाइटनिंग करना है. ठीक है, ये सारा आफ्टर प्री लाइटनिंग ही करना है. ठीक है, पेस्टल डेवलपर कितना परसेंटेज लेना है, डेवलपर जो है कितना मिक्सिंग, डेवलपर आपने लेना है 10 वॉल्यूम, ये रहा. नहीं मैम, ये परसेंटेज कितनी लेनी है, कितना रेशियो लेना है, डेवलपर इसका लेना है कोई 1:1.5. ठीक है मैम, इसमें हाइलाइट्स भी दे सकते हैं ना हम? हाँ, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है मैम, ओके. मैं तो कह रही हूँ हाइलाइट दो, ग्लोबल करो, इज अप टू यू, है ना, जो मर्जी कर सकते हो. पेस्टल ब्लू, पेस्टल ब्लू में क्या करेंगे हम, 2.10 शेड है ये, तुषार जी आपका ये क्वेश्चन आ गया. ठीक है, याद है ना कैसे करेंगे इसको. हाँ जी मैम, एसिडिक ग्लॉस, ये एसिडिक ग्लॉस, ये दिस इज ट्रेंडी कलर, ट्रेंडी मतलब लाइक हमने तो दिया के साथ सीखा था, पर दिस इज ट्रेंडी हेयर कलर. सो गाइज, वुड लाइक टू शेयर अबाउट द L'Oreal Professionnel, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड फॉर हेयर कलर. लाइक L'Oreal अगर कहता है जो, वो करके भी दिखाता है. अगर मैं आपको ये थ्योरी बता रही हूँ तो एग्जैक्टली वही शेड आएगा जहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे, एंड दिस इज पेस्टल ब्लू कलर एज यू कैन सी हियर. पेस्टल ब्लू अगर आपको क्रिएट करना है यहाँ पे 2.10 आपने बहुत लेस अमाउंट में लेना है, लाइक 10% लेना है. और आगे आपको एसिडिक ग्लॉस को, जो मैंने अभी जेल फॉर्म में जो मैंने इंट्रोड्यूस कराया था उस प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज हैज़ टू बी मोर, आई मीन लाइक परसेंटेज इसकी ज़्यादा होएगी. और मिक्सिंग रेशो अगेन 1:1.5 एंड 10 वॉल्यूम के साथ अगर आप मिक्स करके एप्लीकेशन करते हो, बट प्री लाइटनिंग प्रोसेस हैज़ टू बी
अमेजिंग गुड. सो गाइज, पेस्टल कलर्स इज़ नॉट अ ईजी टास्क. पेस्टल कलर्स के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, दीज ऑल आर पेस्टल कलर्स. आप एसिडिक्स के साथ, एसिडिक ग्लॉस क्लियर के साथ पेस्टल कलर ही क्रिएट कर सकते हो. एसिडिक ग्लॉस क्लियर के बारे में और भी अच्छे से बताऊँगी धीरे धीरे और भी वीडियोज़ में, बट अभी मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जो एसिडिक ग्लॉस क्लियर है वो विच इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट, और वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए. पोस्ट केयर में लिखी हाँ, सिल्वर मैग्नीशियम एग्जैक्टली, सब परफेक्ट होते जा रहे हैं. सिल्वर मैग्नीशियम शैम्पू मैम, इलेक्ट कितना तेल 11 लेवल तक ही करना है क्या? हाँ, इसमें तो 11 लेवल तक करना है. इसको भी कर दो 10 to 11. ठीक है, ओके, ये करना है. अब हम बात करते हैं थर्ड कलर. हम करते हैं पेस्टल ऑरेंज. पेस्टल ऑरेंज वो कलर है जो कि आई जस्ट वांटेड टू शो यू. फर्स्ट पहले देखते हैं पेस्टल ऑरेंज है क्या. पेस्टल ऑरेंज ये वाला कलर, इस कलर को कैसे क्रिएट करना है. ठीक है, देखा अच्छे से आप लोगों ने. ये कलर का मैं फॉर्मूला बता देती हूँ. यहाँ पे वही रेड रोज़ो और इसका वीडियो भी है, इसका ट्यूटोरियल भी है गाइस, आप जाके देखिएगा. पेस्टल ऑरेंज बाय श्यामाज मेकओवर. ठीक है, श्यामाज मेकओवर पेस्टल ऑरेंज, तो आप जाके इसका वीडियो देखिए और देन यू सी कि एक्चुअल में वाकई प्लीज़ है ना, जाके देखिएगा. मेरे कलीग ने किया था, बट जब मैं देख रही थी कि वो कुछ कर रहे हैं, मैंने जल्दी से वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए. ठीक है, ये है पेस्टल ऑरेंज, इसका टाइटल है. मैम उसमें पूरा फॉर्मूला दिखाएंगी प्रॉपर जैसे आपकी होती है वीडियो? हाँ, उसमें पूरा है शहराज जी, उसमें पूरा है. आप टाइप करना पेस्टल ऑरेंज, ठीक है, बाय श्यामाज मेकओवर, देखना वो वीडियो आएगी. और नहीं आएगी तो मुझे बताना, मैं आपको भेज दूंगी पेस्टल ऑरेंज. और यहाँ पे है हाँ रेड. जी हाँ गाइज, बताना चाहती हूँ ये जो पेस्टल ऑरेंज है इसको एक्चुअली क्रिएट किया था, उस टाइम पे हमारा आउट ऑफ स्टॉक था दिया का कलर, तो आप 9000S के अंदर भी मिक्स क्रिएट कर सकते हो. तो वीडियो में है रेड रोज़ो, रेड कलर थोड़ा सा, मतलब 10% और 90% जो था वो 9000S करके ही डिपॉजिट किया गया है कलर. ये भी क्रिएटिविटी है, दिस इज़ लाइक ऑल फार्मूला टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टल कलर्स, राइट. इतना ब्यूटीफुल कलर आता है, मैं बनाऊंगी. मैं भी वेट कर रही हूँ राइट टाइम का कि कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाना चाहती हूँ. रेनबो कलर, जो लॉन्ग हेयर रेनबो कलर मैंने शॉर्ट हेयर में भी किया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो. ठीक है, सेम चीज़ बस. क्या कलर? हाँ जी, क्या कह रहे हो? दिया में रेड रोज आता है क्या कलर? दिया में नहीं है, सिर्फ दिया में ये लिया है, एसिडिक लिया. ये मेजरल है, दिस इज मेजरल मेजी कॉन्ट्रास्ट. आई मीन टू से दैट एसिडिक ग्लॉस क्लियर के साथ आप कुछ कलर को मिक्स करके बहुत कुछ कर सकते हो. दिस ट्यूब जो मैंने अभी कलर दिखाया आप लोगों को सभी को, दैट इज अमेजिंग कलर एसिडिक ग्लॉस क्लियर, जस्ट बाय इट. सो गाइज, वुड लाइक टू शेयर ऑल ऑफ यू, यू कैन जस्ट बाय दिस प्रोडक्ट, whether it is online or you can just call your distributor, loyal distributor, yeah, you can just buy this. It's amazing product. Dia Light का is a newly launched product है. वाकई इस product के साथ आप different colors को create कर सकते हो, और Dia Light जो है glossing के लिए भी बहुत अच्छा work करता है. अगर आपको खाली gloss भी चाहिए तो आप उसको just 9-20 volume में mix करके shampoo के बाद shampoo station में apply कर दीजिए, leave for 20 minute and then rinse out. तो guys, shine के लिए भी अच्छा होता है. और secondly, अगर आप gloss, acidic gloss clear को, French gloss आजकल बहुत ज़्यादा in है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो. बहुत जल्दी बनाऊंगी मैं French gloss के ऊपर भी video कि आप और कौन कौन से कलर्स को मिक्स करके आप सिर्फ ग्लॉसिंग के लिए भी कर सकते हो. तो ये कलर जो है, ये जेल फॉर्म एसिडिक ग्लॉस जो है, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट वेज में यू कैन जस्ट यूज़ इट, कैन जस्ट गिव योर अमेजिंग क्लाइंट टू योर क्लाइंट. सो गाइस, एसिडिक ग्लॉस क्लियर की जो ML है वो है 250 ml, और उसका जो प्राइस है वो है 1500 ओनली. सो बाय राइट नाउ एंड यू कैन ऑर्डर.
So guys, I hope you like the video and you love this all the information regarding acidic gloss. तो अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा. जी हाँ, यहाँ पे ऑल ऑप्शन है. अगर आप लोग नहीं चाहते कि मेरा एक भी वीडियो मिस करना, तो जल्दी से ऑल ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. और गाइज, बताना चाहती हूँ कि यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ श्यामाज मेकओवर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. और ऑल्सो गाइज, बताना चाहती हूँ कि आई गिव ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस. यस गाइज, इन दीज डेज वी हैव अ ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन. लाइक फिफ्थ बैच इज गोइंग ऑन. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सिक्स्थ बैच, बुक योर सीट राइट नाउ. बट गाइज, फर्स्ट ट्रायल सेशन आपका कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, फ्री होता है, उसमें आपको पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. फर्स्ट सेशन लेना तो बनता ही है. जस्ट हैव अ लुक. जी हाँ, अभी फिफ्थ बैच इज गोइंग ऑन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट इज देयर, दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. और यहाँ पे जो मैं टेक्निक सिखा रही थी, फॉलियाज टेक्निक सिखा रही थी, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में तो आप इन डिटेल्स में सीखते हो. ये जो अभी मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है एसिडिक ग्लॉस के ऊपर, ये ऑनलाइन टॉपिक ही था. मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसको यूट्यूब में शेयर करती, सो मेनी स्टूडेंट कैन लर्न. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और गाइज, बताना चाहती हूँ जल्दी से अपनी सीट बुक कीजिए. और ट्रायल सेशन तो लेना बनता ही है. यू कैन कॉन्टैक्ट, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9871369576. और गाइज, बताना चाहती हूँ कि जो क्लासेस होती है ना, वो इन डिटेल्स होती है. एक एक चीज़ बहुत बारीकी से सिखाती हूँ. आपको ऐसा फील नहीं होने वाला कि आप लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं कि ऑफलाइन. यू फील दैट कि आप ऑफलाइन ही सीख रहे हैं. मतलब इतनी इन डिटेल्स वीडियो होती है. टाइमिंग भी बहुत अच्छा है. इन द इवनिंग टाइम है, 9:30 का टाइमिंग होता है. और गाइज, और भी ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हो रिलेटेड टू ऑनलाइन क्लासेज और हेयर कलर, तो जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कीजिएगा. और यू कैन क्लिक द आई बटन एंड जस्ट हैव अ लुक. गाइज, बताना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. यू नो व्हाई? कितने स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट नो द राइट चैनल. तो जस्ट शेयर एज मच एज सो दैट मेनी बिगनर्स कैन लर्न एंड ग्रो. क्योंकि मेरा जो वीडियो है, मेरा जो चैनल है, वो है ही बिगनर्स के लिए. क्योंकि मैं एडवांस ट्रेनिंग लेती हूँ एंड देन आई टीच बिगनर्स फॉर वेरी इजी वे. राइट, मैं जब सीखती हूँ तो आई जस्ट टेक, यू नो, समटाइम आई ऑल्सो टेक ऑनलाइन क्लासेज एंड आई टीच, यू नो, वेरी वेरी ईजी एंड सिंपल वे. तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है मेरा जो चैनल है, वो है ही बिगनर्स के लिए. सो आई होप गाइज, थैंक यू सो मच दैट यू लाइक द वीडियो. कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा. एंड मे गॉड ब्लेस यू. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. Till then, take care. Bye, guys. See you very, very soon. Bye.